खान से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? दूसरी तरफ जमानत की चर्चाएं आई। आपके पास एक लीगल टीम है, कांग्रेस के पास बड़ी अनुभवी है, क्या मामन खान को जमानत देने के लिए ऐसे किसी सीनियर अधिवक्ता से भी बातचीत हुई? सारी चीज़ चल रही है, वो मीडिया की बात नहीं है। अच्छे हमारे जो सीनियर जो अधिवक्ता है वो होंगे, सारी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कुछ सारे मामले झूठे हैं, तो उसमें हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। और मामन खान बिल्कुल जो उन पर बगैर किसी इल्ज़ाम के वो जो सीधे वो आएंगे, और ये तो पॉलिटिकल गिरफ्तारी है, इसे तो जो आएंगे तो आप देखना किस तरह का लोगों के अंदर इतना जोश पैदा होगा। तकरीबन आधे घंटे की मुलाकात आपकी हुई है, कुशल क्षेम आपने जाना होगा, कोई भावुक पल उस समय? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल अपना मस्त है, उसे कोई वो नहीं है, क्योंकि आदमी निडर है, निर्दोष है, तो उसे किस तरह का कोई भावुकता का कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, आए मिले तो स्वाभाविक तौर से है थोड़ा सा, कि जब कोई भी साथी आता है, कोई सीनियर आदमी आता है, तो एकदम खुशी में होता है, सारा बहुत ठीक है इस तरह। उदयवान जी आजकल बड़े चर्चाओं में हैं, एक बयान है जिसको लेकर के भाजपा ही चिलमिलाए हुए हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, क्या आज भी आप बयान का कायम है, क्या कहें? वो बयान तो पुराना हो गया, बयान पर मैं पूरी तरह से कायम हूँ, जो बयान है अब हमारा इलाका एक ही आपका इलाका, ये तो एक आम बात है जो चीज़ होती है। मैंने ना किसी प्रधानमंत्री का नाम लिया, ना किसी मुख्यमंत्री का, मैं तो बस ये कहा कि रेंडुआ पंडुआ राज कर रहे हैं। वो जो है ना महिला आरक्षण का जो मामला चल रहा था, और उससे संबंधित हमारे एक पानीपत में तीन महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ, जो सामूहिक बलात्कार गैंग रेप, पलवल में एक डेथ भी हो गई, 1350 लड़कियाँ 18 से 27 साल की उम्र की, 2000 मार्च 2020 से अब तक 3 साल में, जब लगा लो 3.5 साल लगा लो, गायब हुई हैं 561 लड़कियाँ जो बरामद हुई हैं, अभी तक लगभग 800 लड़कियों का अता पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं। तो मैं तो वो कहा था कि भाई जो ना इस तरह से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, आज क्या स्थिति है महिला कोच के साथ में, किस तरह से इनका जो मंत्री आज बेशर्मी से आज भी मंत्री परिषद में बैठा हुआ है, किस तरह से हमारे महिला पहलवानों के साथ में, किस तरह से जो हुआ मणिपुर में हुआ, ये जो करते हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारा खुद जो है अपनी पत्नी को 50-52 साल से छोड़ रखा है, एक तो कोई हवाई नहीं लगी, उनके ऐसे ही ऊपर रनवा नीचे पटवा रात कर रहे हैं। तो हल्के मूड में हंसी मजाक में बात कही गई थी, जिसको एक इतना बड़ा, क्योंकि रमेश विधुड़ी ने जिस तरह से जो हाउस के अंदर लोकसभा के अंदर एक मेंबर पार्लियामेंट जितने घटिया शब्दावली का इस्तेमाल किया, जितने भड़काऊ शब्दावली का इस्तेमाल किया, जितना जो उसकी जितनी भर्त्सना की जाए सारे, उसको तुरंत वहाँ से सस्पेंड ही नहीं बल्कि उसकी लोकसभा सदस्यता ही छिननी चाहिए ऐसे लोगों, जो कहता है कि माननीय सांसद को, चुने हुए सांसद को आतंकवादी उग्रवादी वो भड़ुआ कटुआ मुल्ला ऐसे शब्द जो इस्तेमाल हुए, उसको उसका जो ट्रोल हो रहा था सारे देश में, उसको काउंटर करने के लिए मेरा बयान चला दिया कि भाई इससे कुछ उन्हें राहत मिल जाए। अरे मैंने तो कुछ, मैंने सच्चाई जो थी वो थी, और वो हमारे को आम बोला जाता, मैं उस पर उसमें कोई मैंने गलत बात नहीं कही, उसमें आज भी कहा। ढिल्लों की रैली हुई, कांग्रेस को भी नेता मिला, आपके कुछ सहयोगी भी उसमें शामिल हुए, उसको आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस के नेताओं ने किस लिए शिरकत की? देखो इनेलो की रैली हर 25 सितंबर को होती है, और हर बार वो बड़े नेताओं को आमंत्रित करते रहे हैं, इससे पहले भी काफ़ी बड़े नेता आए हैं, फारूक अब्दुल्ला जी, प्रकाश सिंह बादल पहले आते रहे, उनकी डेथ के बाद में सुखबीर सिंह बादल जो उनके बेटे हैं वो आते रहे, के सी त्यागी भी पहले से ही आते रहे, चौधरी बरिंदर सिंह भी पहले आए हुए इनके, वो भी अब दूसरी तीसरी बार आए, एक चंद्रशेखर रावण है वो भी अभी इंडिया का हिस्सा नहीं है। इंडिया के जो थे शीर्ष जो नेता थे उनमें से कोई नहीं था, ना नीतीश कुमार थे, ना अखिलेश यादव थे, ना तेजस्वी यादव थे, ना ममता बनर्जी थी,
ना शरद पवार जी थे जिनका ये नाम ले रहे थे, और कांग्रेस की तरफ से तो कोई था ही नहीं कि ये ठीक है इनवाइट करके आए थे, लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में आने का। लेकिन इनका अतीत ऐसा है, हमें अपने नेतृत्व को हकीकत बतानी है, जो जमीनी सच्चाई है वो बतानी है। इनेलो का प्रदेश के अंदर कोई जनाधार नहीं बचा है और अब वो सहारा लेते फिर रहे हैं। इनका जो अतीत है वो हमेशा बीजेपी के ये साथी के बी टीम के रूप में काम करते रहे हैं, हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। अभी अभी भी इस टेन्योर में भी राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी बीजेपी को वोट दिया, और राज्यसभा के चुनाव में तो चाचा भतीजे भी जा करके पहुँच करके राज्यसभा चुनाव में भी इनको वोट दे कर आए बीजेपी के कैंडिडेट को। तो ये कभी हो नहीं सकते इंडिया गठबंधन का। फिर भी हमारा अगर नेतृत्व सोचता है और इंडिया गठबंधन में कहीं इनको स्थान मिलता है तो ये उनका हुक्म होगा, तो सबको सर्वाध्य होगा। प्रदेश कांग्रेस की कमान आपके हाथों में है, उसी समय से लगातार संगठन के विस्तार की चर्चाएं चल रही है, लेकिन लगातार देरी पर देरी होती जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, देरी तो मेरे से पहले से बहुत होनी, 9.5 साल हो गए। मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ तीन हमारे प्रभारी बदल गए। जब संगठन बनने का समय आता है तो प्रभारी चले गए। शक्ति सिंह गोयल थे, वो लिस्ट आउट ही होने वाली थी एक दो दिन में, वो बदल गए। अब जो मौजूदा जो प्रभारी हैं उन्हें काफ़ी गंभीरता दिखाई है, उन्होंने हर लोकसभा क्षेत्र के लोगों से व्यक्तिगत तौर से सभी सीनियर साथियों से सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की। उसके बाद उन्होंने 11 टीम बनाई हैं जो AICC के जो हरियाणा प्रदेश से बाहर के प्रदेश के जो लोग थे वो 11 जो AICC के जो कोऑर्डिनेटर वो लगाए गए थे, उसमें दो दो हमने PCC की तरफ से प्रभारी लगाए थे, ऑब्जर्वर लगाए थे हमने। तो वो वहाँ पर गए, सभी जिलों में गए, सभी जिलों में उन्होंने बात की। अब सारा जो रिपोर्ट वो प्रभारी जी को पहुँच चुके। अभी हमारा हैदराबाद अधिवेशन आ गया था, इधर को ये सेशन स्पेशल सेशन आ गया, कोई समय नहीं मिल पाया अभी उसके बारे में डिस्कस करने का। तो अभी प्रभारी जी गुजरात में हैं, आएंगे तो उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है 7-10 दिन में ये संगठन, हम उम्मीद करते हैं कि शायद हो जाए। कई राज्यों में जल्दी ही चुनाव हैं, जो परेशानी कांग्रेस के लिए खड़ी हुई थी पीछे, नेता लगातार भाग रहे थे, वही परेशानी अब भाजपा को फेस करनी पड़ रही है, कैसे इन चुनावों को देखते हैं, क्या कहें? भाजपा में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हमारे हरियाणा में लोग 90 का हाउस है हरियाणा में, 32 एक्स MLA एक्स मिनिस्टर हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं, BJP को, JJP को, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके हमारी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की जबरदस्त हवा चल रही है। कितने सीनियर लीडर्स, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जिला अध्यक्ष हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। अच्छा, यही ऐसा ही सारे जो इलेक्शन गोइंग जो राज्य हैं, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो और तेलंगाना हो, सभी में विपक्ष के अंदर भगदड़ मची हुई है, सब कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। मिजोरम तक 5 राज्यों में आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जो करंट इशू है इनका स्पेशल सेशन का, और स्पेशल सेशन को इन्होंने इतना गुप्त रखा, हमेशा कोई भी स्पेशल सेशन जब आता है तो उसका एजेंडा पहले से है कि क्या इशू पर डिस्कस होना है। लेकिन इन्होंने लास्ट तक हमारा जब इंडिया गठबंधन का बम्बई में जब मीटिंग चल रही थी उसको ये मेन स्ट्रीम की डिस्कशन से हटाने के लिए कि भाई फोकस उधर ना जाए, इन्होंने शगुफा छोड़ दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन कह रहे हैं, स्पेशल सेशन बुलाएंगे इंडिया और भारत को भी आपस में लड़ा दिया इन लोगों ने, और उसके लिए ये उम्मीद कर रहे थे कि सेशन में पता नहीं क्या होगा। और सेशन शुरू होने से एक दिन पहले जब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई उसको भी इतना गुप्त रखा कि शाम को मीटिंग बुलाई कि किसी पत्रकार को पता ना लगे इसमें क्या है, और एंड टाइम पर ऐसा रखा वो आरक्षण में खोदा पहाड़ तो निकली चुकी है। ये जो आरक्षण बिल था ये तो 1989 में
राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब ये पेश कर दिया गया था, उस समय लोकसभा से उन्होंने पास करा लिया, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था, 7 वोट से ये रह गया था। उसके बाद दोबारा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में इसको दोबारा इसको पास करने का प्रयास किया, राज्यसभा से पास हो गया 2010 में, लेकिन लोकसभा में अटक गया। अब ये इनको उसी को लाना था, तो उसमें नयापन क्या था, नाम बोल दिया महिला वंदन, नाम बदल दिया। अरे भाई जब आप महिलाओं को आरक्षण 33% का देना चाह रहे हो तो आज से दो। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, मल्लिका खड़गे जी ने, सोनिया जी ने जो बार बार मांग की थी, उन्होंने अभी भी ये कहा कि भाई अब क्या दिक्कत है तुम्हें, 2011 की जनगणना, जातिगत जनगणना आपके पास है जो हमने कराई थी, जो 2016 में आपको रिपोर्ट सबमिट हुई थी, 2016 में सबमिट हुई सारी रिपोर्ट इस सरकार के, मौजूदा सरकार के पास है। अब इन्होंने उसमें कह दिया कि भाई पहले जनगणना होगी, फिर उसका डिलिमिटेशन होगा, फिर उसके बाद में आरक्षण दिया जाएगा। लड्डू दिखा रहे हैं महिलाओं को, कह रहे हैं कि ये लड्डू तुम्हें देंगे हम खाने को, पर ये अभी दिखा ही रहे हैं, खाना तुम 10 साल बाद, 10 साल बाद खाना है तुम्हें। ये इनका चेहरा ही बताता है कि ये इनकी नीयत ही नहीं थी इस महिला आरक्षण के लिए। हमारे नेता ने कहा अभी से शुरू करो, आपके पास में सारे आंकड़े हैं। ये सिर्फ महिलाओं को मूर्ख बनाने का, महिलाओं को धोखा देने का, जिस तरह से ये पहले जुमलेबाजी करते रहे, चाहे वो 15 लाख का, 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिल जाएंगी, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, ऐसा कोई आदमी नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो, हमारे जो जो भी गरीब आदमी सबको मकान मिल जाएगा, ये महंगाई 100 दिन में कम कर देंगे, 100 दिन में काला धन आ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, बुलेट ट्रेन आ जाएगी। ये जिस तरह के ये जुमले थे उसी तरह का ये जुमला है इनका, कि महिला आरक्षण देने की इनके कोई नियत नहीं है, ना कोई इनकी नीति में है, और ये महिला आरक्षण के खिलाफ है खुद। इन्होंने सभी हमेशा इन्होंने इसकी मुखालफत की है, तो इनके जो है ना, हम नहीं मानते कि इसको महिला आरक्षण देना चाहते।